हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपके लिए बैंगन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। ये बैंगन की सब्जी देखने में जितनी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा लजीज है। बच्चे से लेकर बड़े तक इस सब्जी को बड़े चाव से खाते हैं। बैंगन नहीं खाने वाले भी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं छोटे मसाला भरमा बैंगन को बनाना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मसाला भरमा बैंगन बनाने के लिए मैंने आधा किलो छोटे वाले बैंगन लिए हैं। बाजार में कई तरह के बैंगन आते हैं, कोई भी बैंगन हम ले सकते हैं, बस बैंगन छोटे होना चाहिए। देखिए, ऊपर का जो डंठल है उसमें थोड़ा सा भाग हम काट लेंगे और साइड का जो पोर्शन है उसको भी थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। अगर कांटे वाला बैंगन है तो उसके कांटे निकाल देंगे। एक बैंगन के इस तरह से चार भाग करना है। देखिए, इससे हमें पता चल जाता है कि कीड़ा है कि नहीं और मसाला भी अंदर तक जाता है। बस ध्यान रखना है कि जो भाग हमने कट किया है वो डंठल से जुड़ा रहे। इस तरह से सारे बैंगनों को काट काट कर नमक वाले पानी में डालते जाएंगे, जिससे बैंगन काले नहीं पड़ेंगे। सारे बैंगन मैंने कट कर लिए हैं, अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। दो मीडियम साइज की प्याज जिनको मैंने मोटा मोटा काटा है, एक बड़े चम्मच भुने हुए मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली के दानों के छिलके मैंने अलग कर दिए हैं। अगर लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है तो लहसुन अदरक को भी साथ में लेकर पीस सकते हैं। अब इन दोनों को पीस कर मैं इनका पेस्ट बना लेती हूँ। कढ़ाई में बड़े सर्विंग स्पून से मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा 1/4 चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। मेथी दानों को कुछ सेकेंड ब्राउन करने के बाद में प्याज मूंगफली के दानों का पेस्ट और 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर 5-6 मिनट भून लूंगी मीडियम फ्लेम पर। जब भूनते भूनते मसालों का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, मसाला इस तरह से फटा फटा होना चाहिए। अब इसमें मैं 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक, जिस जार में मसाले पीसे थे उसमें थोड़ा सा पानी लेकर मैं इस मसाले में डालूंगी। इससे जार में जो मसाले लगे थे वे भी सारे निकल जाएंगे और मसाले हल्के से गीले हो जाएंगे। अब मीडियम फ्लेम पर मसालों को हाफ कवर करके मैं भूनते जाऊंगी, जिससे मसालों के छींटे हमारे ऊपर नहीं उड़ेंगे। मसालों को मैंने 20 मिनट भूज लिया है। जो बैंगन काट के रखे थे, एक एक करके बैगन को मसालों में डालते जाएंगे। खोल खोल कर मसाले उसके अंदर भी हम हल्के से भरते जाएंगे। ऊपर से 1/2 छोटा चम्मच नमक डालूंगी। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ। मसालों को मैंने पूरा नहीं भूंजा है, बाकी का मसाला बैगनों के साथ में पकते पकते भून जाएगा। इस तरह से मसाला भी भून जाएगा और बैगन भी पक जाएंगे। मसाले पूरी तरह से सूखे नहीं होना चाहिए। 1/2 कप पानी भी डाला है मैंने मसालों में, क्योंकि मैं बाद में पानी बिल्कुल भी नहीं डालने वाली हूँ। अब पूरा कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट पकने दूंगी। 5 मिनट के बाद में दोबारा खोलकर चलाऊंगी, जिससे मसाले तले में चिपके नहीं। सारे बैगनों को ऊपर नीचे कर लूंगी, साथ में मसालों को बैगनों के अंदर भी डालते जाएंगे। अब कवर करके मैं बैगन पकने तक पका लेती हूँ और साथ में बीच बीच में चलाते भी जाएंगे। देखिए, खोल कर देखेंगे बैगन अच्छी तरह से पक चुके हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं इन बैगनों को लो फ्लेम पर पकने में। गैस बंद करने से पहले इस तरह से चम्मच से कट कर कर देख लेंगे। बैगन अच्छी तरह से पक चुके हैं। ऊपर से धनिया पत्ती डालकर मिक्स कर लूंगी। तो देखा आपने भरमा बैगन बनाने का ये कितना आसान तरीका है। देखिए कितने जायकेदार मसाला भरमा बैगन बने हैं। इसके साथ अगर गर्मा गर्म रोटी पूड़ी पराठे मिल जाए तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और रेसिपी ट्राई करने के बाद में आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।